जी हाँ, गाजियाबाद बना देश का नंबर वन प्रदूषित शहर। गाजियाबाद में सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्शन 413 रेड जोन में दर्ज किया गया। आपको बता दें कि कुछ दिन की राहत के बाद गाजियाबाद से एक बार फिर प्रदूषण के मामले में नंबर वन पहुंच गया है। वहीं जिला प्रशासन प्रदूषण की रोकथाम के लिए लाख कोशिशें कर रहा है, उसके बावजूद गाजियाबाद में प्रदूषण स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं लोगों का कहना है कि सुबह बाहर निकलने के लिए आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरत है शासन और प्रशासन को इस ओर ठोस कदम उठाने की, ताकि आम लोगों को प्रदूषण की मार से बचे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्य शर्मा है। सर, गाजियाबाद में लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा है और आज देश का नंबर वन प्रदूषित शहर माना गया। जी जी जी। सर, आप लोग सीनियर सिटीजन सुबह वॉक पे आते हैं, क्या कहना चाहेंगे, क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको? प्रॉब्लम्स ये हैं साहब, ये जो अभी रिसेंट जो पॉल्यूशन का अटैक हुआ था, इसने बहुत नुकसान करा है, ख़ास तौर से सेहत के उसके अंदर। और हम लोग जो है बड़ा खांसी, जुकाम, नज़ला, सर दर्द से बड़े पीड़ित हैं, और हम लोग बहुत प्रिकॉशंस ले रहे हैं। उसके बावजूद भी ये अटैक शायद फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में हुआ था, अभी तक गया नहीं है, और हम सब लोग बेहद परेशान हैं, ख़ास तौर से सीनियर सिटीजन्स। घर से बहुत देर से निकलते हैं और काफ़ी हमने अप्रोच भी करा है। हो गया जी जी जी, बोलते रहिए। हाँ, हमने अप्रोच भी करा है कुछ अथॉरिटीज़ को कि इस पे कुछ वो कंक्रीट एक्शन लें, क्योंकि गाजियाबाद अब से नहीं, कम से कम 10-20 साल से इस तरह से इसके बारे में लिखा जा रहा है, कहा जा रहा है, टाइम्स ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा कई बार लिखा गया। क्या मुख्य वजह मानते हैं बढ़ते हुए प्रदूषण की? प्रदूषण की मुख्य वजह एक तो यही है कि जो हवाएं पंजाब से आती हैं वो है, व्हीकल्स हैं, एंड मे बी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स, इनऑर्डिनेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। सर, ज़रूरत है कि प्रशासन और शासन को ठोस कदम उठाने की, बिल्कुल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है साहब। उसमें आदमी के चालान करें, जहाँ जहाँ कोई बर्न करता है किसी चीज़ को, पत्तों को या किसी चीज़ को, उस पर एक्शन लें। और जो कंस्ट्रक्शंस बेतहाशा हो रही हैं, ख़ास तौर से इलीगल कंस्ट्रक्शन जो कि नॉर्म्स इस्तेमाल नहीं करते अपनी बिल्डिंग को प्रोटेक्ट करने में, तो उन पर एक्शन लें तो ज़रूर इसमें सुधार होगा। और फिर कुछ ऐसे कैजुअल रेमेडीज़ हैं, जैसे कि पानी लगाना, पेड़ों पे पानी लगाना, छिड़काव करना, इससे भी काफ़ी असर होता है। ठीक है, थैंक यू। अमित पहुजा। सर, गाजियाबाद एक बार फिर देश का नंबर वन प्रदूषण शहर बन गया, क्या कहना चाहेंगे? पॉल्यूशन से दिक्कत तो बहुत है, सुबह घूमने फिरने में दिक्कत हो रही है आजकल, सांस चढ़ जाती जल्दी से, और उसके अलावा परेशानियाँ बहुत हैं कि पोल्यूशन की, कम होना चाहिए। सर, क्या वजह मानते हैं प्रदूषण की बढ़ते हुए? यार, ये ट्रैफिक ही है मेरे हिसाब से ज़्यादा हो गया, और तो क्या जी। क्या कुछ और ठोस कदम उठाने की जरूरत है सर प्रशासन को? लगातार उठा भी रहा है कदम। नहीं, कदम उठा रहा है प्रशासन, ऐसी बात नहीं है। प्रदूषण फिर भी नहीं रुक पा रहा, गाजियाबाद नंबर वन पहुँच गया है। अब इसका क्या सिस्टम पता नहीं यार, क्या होगा आपके हिसाब से? क्या आम लोगों को भी इसमें आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? परेशानी भी तो आम लोगों की हो रही है, तो आगे हमें आना पड़ेगा, तभी होगा कुछ।